हाईवे पर खड़ी ट्रक में से डीजल और बैटरी लूटने वाले गिरोह का बेलीपार पुलिस ने खुलासा किया है, जिसके तहत पुलिस ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके इनके पास से एक स्विफ्ट डिजायर, एक स्कॉर्पियो, प्लास्टिक की पाइप, एक बैटरी, 3 खाली गैलन, एक देशी तमंचा, जिंदा कारतूस और 8,000 रुपया बरामद किया है। गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान ओसामा अली उर्फ छोटू पुत्र शहादत अली निवासी पादरी बाजार थाना शाहपुर, संतोष मौर्य पुत्र स्वर्गीय दयानंद मौर्य निवासी मोतीलाल अड्डा थाना जंघा तथा अमित सिंह पूर्ण पुत्र रणजीत सिंह निवासी भरवाटिया बाबू थाना नगर जिला बस्ती के रूप में हुई है। घटना का खुलासा करते हुए एसपी साउथ विपुल कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि गिरफ्तार शातिर किस्म के लुटेरे हैं और हाईवे पर खड़ी ट्रकों से लूट किया करते थे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी साउथ विपुल कुमार श्रीवास्तव ने बताया। तो है लेकिन फैसिनेट करा नहीं थी तो वो रखी है तो इंदा चेहरा बना रहा है तो नहीं रहा एक घर से बुला रहा चाट ले ले ये रुको तो सर ले तब कर दिया बता दिया एक और सी गाड़ी में मशीन कैसे ले पुलिस बता दी पूरा खोल 22 तारीख को रात में एक घटना की सूचना मिली थी कि बागागाड़ा 4 लेन पे किसी द्वारा वो एक स्विफ्ट गाड़ी आई और उसने डीजल चुरा लिया, बैटरी चुरा लिया, कुछ पैसे चुरा लिए थे। इस पे कंप्लेंट पे फिर हम लोगों ने उस पे काम किया और अपराधियों का पता लगाते लगाते उसमें आज थाना बेलीपार को उसकी टीम के साथ इनको सूचना मिली थी कि इस तरीके से ये जा रहे हैं बागागाड़ा 4 लेन के नीचे की तरफ। उन्हें एक सफलता मिली है जिसमें कि अभियुक्त 3 अभियुक्त पकड़े गए हैं, एक स्विफ्ट गाड़ी और एक स्कॉर्पियो बरामद हुई है। इसमें इनका जो मॉडस ऑपरेंडी है कि ये किसी भी खड़ी गाड़ियों को 4 लेन पर खड़ी गाड़ी से ये डीजल निकाल लेते हैं, उसकी बैटरी खोल लेते हैं और विरोध करने पे उनसे लूटपाट भी करते हैं। इन्होंने घटनाएं बहुत की हैं, जैसा कि खुद एक्सेप्ट किए हैं कि हमने कई बार चोरी की और एक बार में एक गाड़ी से कम 100 लीटर निकाल लेते हैं डीजल, ये और बैटरी निकाल लेते हैं। ये बैटरी या डीजल चुरा के एक संतोष मौर्य है उसके यहाँ ले जा के बेचते हैं, ये उनको कम दामों में बेच देते हैं, वो गाँव में अब बेचता है, गाँव में वो फुटकर बेचता है। इनके यही गैंग है, इनके 2 अभी अभियुक्त फरार हैं, एक और अभी सस्पेक्टेड है। तो अभी पूरी बरामदगी मतलब गिरफ्तारी नहीं हुई है, गिरफ्तारी शीघ्र की जाएगी, जो शेष अभियुक्त हैं उन पर कार्रवाई होगी। ये सभी थाने के शहर क्षेत्र के हैं, कुछ कोराबार क्षेत्र के हैं, सब लोकल ही हैं, गोरखपुर के ही हैं।